नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा, सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2024 को केंद्र की मोदी सरकार सत्र 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ले सकती है। अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस, दो समितियां गठित। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस ने शनिवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई राज्यों के लिए चुनाव समिति का गठन किया। नीमच में किसान हुए परेशान, अफीम के पौधों में आया पीले मोजे। नीमच मंदसौर प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की जाती है, लेकिन अफीम किसान अभी पौधों में पीले मोजक की बीमारी से परेशान चल रहे हैं। प्रदेश सहित जिले में 4-5 दिनों से कोहरा गिरने से और मौसम खराब होने के कारण पीला मोजक की बीमारी बहुमूल्य फसल अफीम में तेजी से बढ़ी है। सीएम ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया, नहीं लिया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उज्जैन में हैं। वे सुबह वाल्मीकि धाम पहुंचे, समाधि के दर्शन कर महंत उमेश नाथ से मुलाकात की, ब्रतरी गुफा की गौशाला में गायों को चारा खिलाया। सीएम केंद्रीय भैरवगढ़ जेल निरीक्षण करने भी पहुंचे, यहां गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दिया। भोपाल नर्मदापुरम में बूंदाबांदी, प्रदेश में 12 जनवरी तक कोहरा, बारिश सर्दी रहेगी। नैसाल में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, प्रदेश बारिश सर्द हवा और कोहरे की आगोश में है। रविवार सुबह हरदा में तेज बारिश हुई, दोपहर 1 बजे के बाद से भोपाल में बूंदाबांदी हो रही है। नर्मदापुरम में रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी है, ग्वालियर और गुना सबसे ठंडे हैं। महाकाल लोक में देश का पहला हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसाद। उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस फूड स्ट्रीट को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया। इसके बाद देश भर में 100 स्थानों पर ये स्ट्रीट खोले जाएंगे। यह समोसा, कचौड़ी और जंक फूड के साथ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसे पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने घर घर बांटे अक्षत, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर की लोगों से श्रीराम ज्योत जलाने की अपील। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। देशभर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों से अयोध्या जाकर भगवान रामलला का दर्शन करने को अपील की जा रही है। एथलेटिक कार्तिक जोशी 1,008 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे भगवान राम के प्रति आस्था लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे ही इंदौर से अयोध्या के लिए 1,008 किलोमीटर की यात्रा दौड़ते हुए पूरा करने के संकल्प के साथ एथलेटिक्स कार्तिक जोशी शाजापुर पहुंचे, जो भारत के लिए कई पदक जीत चुके हैं। जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसी दिन उन्होंने संकल्प किया था कि जिस प्रकार भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वैसे ही वो 14 दिन में अपनी दौड़ते हुए यात्रा पूरी कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच शुरू की गई। नर्सिंग की पढ़ाई कराने वाले मध्य प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजेस की हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की अलग अलग टीम जांच कर रही है। बीआरटीएस मुक्त होने जा रहा भोपाल, सड़कों का होगा चौड़ीकरण, बदल जाएंगी सड़कें। राजधानी भोपाल से बीआरटीएस हटाने की कार्य योजना तैयार हो गई। बीआरटीएस कॉरिडोर 18 करोड़ की लागत से तोड़े जाएंगे, जिसके बाद होशंगाबाद रोड 6 लेन होगी। इतना ही नहीं, यहां बने साइकिल ट्रैक पर अब बाइक भी चलेंगी, साथ ही बस स्टॉप को बिना किसी खर्चे के रिलोकेट किया जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।